हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। यार हेयर स्टाइल बहुत बुरा हो रहा है, हेयर स्टाइल ही बता दो यार। तो अभी मैं जा रहा हूँ साइड पे, अभी बच चुके हैं 10। साइड पे जाके कार्रवाई करनी है, फिनिशिंग मारनी है साइड पे जाके। चल, पहले वाले जो बेड थे वो बंद किए थे कल मैंने, उन पर ही जाके फिनिशिंग मारनी है। दोस्तों इस बेड पे फिनिशिंग मार दी मैंने, ये बेड बढ़िया हो रहा है, हल्का हल्का मॉइस्चर अंदर है, जबकि इसके ऊपर भी पानी हमने छिड़कवाया है। हल्का हल्का बेड तो कहीं से फट रहा है, इससे ज़्यादा जल्द सही नहीं हो पाएगा, फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसको। जितना खोलने से सुखा सकते थे उतना सुखा लिया, इससे ज़्यादा खोल के हम इसे सुखा नहीं सकते, ना ये सूखेगा। अपने आप ही मॉइस्चर जो है ऑटोमेटिक नीचे जाएगा, तब ये बेड बढ़िया हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ होगी रोलिंग इसकी, क्या पास लग गए? ये लास्ट मार रहे हो? मार दो फिर खाना खाने चलते हैं, उसको खाना खाने के बाद में मार देंगे उसको। टेस्टिंग वाले शाम को आएंगे 5 बजे। हाँ पास रह गया है, इसके बाद हम खाना खाने जाएंगे। कुछ तो आज मैं सोच रहा हूँ, कुछ ज़्यादा काम वगैरह नहीं चल रहा है और कुछ दिखाने के लिए नहीं है। मैं सोच रहा हूँ आज आपको अपने ग्रेडर का टूर करवा देता हूँ, मैंने अपने ग्रेडर में क्या क्या लगा रखा है, कंपनी से क्या आया था और मैंने क्या लगा रखा है, वही आपको दिखा देता हूँ मैं। सबसे पहले दोस्तों मैंने ये लगा रखा है एक स्टैंड, ये यहाँ पे नट कस के, ठीक है ना, एक ये फ्रेम बनाया है, ठीक हो, ये एंगल यहाँ पे, एक एंगल यहाँ पर, ठीक है ना, फ्रेम बना के कैंपर रखने की सुविधा बनाई है ताकि पानी पीने की कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है ना। पानी इसमें ठंडा भर लेते हैं, ऊपर बोरी रख के इसको गीला कर देते हैं, पानी ठंडा रहता है। और इस साइड भी दिखा देता हूँ आपको मैंने किस जगह पे ये नट इसके एंगल जो है लगाए हैं। देखो एक यहाँ पर लगाया हुआ है और एक यहाँ लगाया हुआ है, देखो ये इसके साथ ऐसा ही फ्रेम बनवाया हुआ है। अगर कोई बनवाना चाहता है तो बनवा ले, 400-500 रुपये का बनेगा ये। पहले आप देखो म्यूजिक सिस्टम, ठीक है, तो म्यूजिक सिस्टम ये लगा रखा है मैंने, ये स्पीकर 2 लगे हुए हैं, ठीक है ना, एक ये और यहाँ पर टेक लगी हुई है, ये पोलोथीन वगैरह करके इसको कवर कर रखा है। शाम के टाइम इसको यहाँ से ऐसे करके निकाल के ऐसे करके ढक देते हैं। फिर यहाँ पे इसका देखो फ्रेम कैसे बना हुआ है, ये जो नट होते हैं, ये देखो ये जो नट होते हैं इसमें इसका फ्रेम नट कसा हुआ है, ना कि वेल्डिंग नहीं करवाया, पक्का सिस्टम नहीं करवाया। अगर खोलना चाहे कभी खोल भी देते हैं। और यहाँ पे जो टूल होता है ये भी अपना सेफ है, ठीक है ना, ये भी यहाँ पर कोई भी सामान अपना रख सकते हो, यानी कि ये भी काम चालू है, इसकी भी टूल की भी कोई दिक्कत नहीं और ये भी अपना सेफ है। 2 नट इधर फंसाए हुए हैं और एक ये वाला। हवा बहुत तेज चल रही है, शायद मेरी आवाज़ आपको क्लियर ना आए। इसके नीचे देखते हो कैसे फंसी हुई है, इसके नीचे ये देखो यहाँ पर एक ऐसे करके ये पत्ती लगा के, एक इधर पत्ती लगा के इसके आगे, और ये पत्ती जो है ये इसके साथ आती है डैक के साथ, डैक के फ्रेम में, तो ये इसके साथ लगा के इसको रोका हुआ है, नट्स कसा हुआ है, ठीक है ना। इस तरीके से अच्छे से दिखा देता हूँ, किसी को अगर लगवाना हो तो अच्छे से देख लो आप किस तरीके से लगा हुआ है। और इसका कनेक्शन मैंने लिया है, 12 वोल्ट की डैक है, 24 वोल्ट की बननी पाई, मैंने बहुत बोला लेकिन नहीं बन पाई, वहाँ बैटरी से लिया है 12 वोल्ट, कहीं अंदर से मशीन से छेड़छाड़ नहीं करी, 12 वोल्ट कनेक्शन लिया, ये सिलीव डाल के, ठीक है ना, तो ये सिलीव ना जल्दी खिंचती है और ना ही ये जलेगी। सिलीव ये 3 फुट का टुकड़ा आता है, इस बीच बीच में मैंने जोड़ रखी है, ठीक है ना, फेविक्विक लगा के, देखो यहाँ पे जोड़ जॉइंट है इसका, ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ से नीचे ले जाके तो आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। इस जगह से देखो वो आपको दिख रही होगी, इस जगह से ऐसे करके ले जाके और इस साइड में लेके आया हूँ, देखो इस साइड में ये मेन वायर है इसकी करंट की, फिर यहाँ से ये सब सिस्टम मैंने नीचे दबा रखा टेप करके, यहाँ देखो ये मेन इसका जॉइंट है इस तरीके से। तो दोस्तों खतरे वाली कोई बात नहीं, मैंने पूरी तरीके से टेप करके और इसके ऊपर सिलीव करा के, मतलब सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा है, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बाकी भगवान के हाथ होता है।
नुकसान होना होता हो तो वो ही जाता, टलता नहीं है फिर वो कैसे भी। और ये दो स्पीकर की तार है, स्पीकर की तार तो बाहर ही रहेगी भाई, इसका अंदर से इलाज ऐसे हो सकता था, इसके नीचे दबानी पड़ती मेरे को तार, इसके मैट के नीचे, फिर मैंने दबाई नहीं। मैं कहा कोई बात नहीं, कोई बुरी थोड़ी ना लग रही है इतनी, ठीक है ना, ज़्यादा हमको प्रोफेशनल बना के क्या करना है। तो एक तार इसमें से निकाल के इस तरह इधर को और इस स्पीकर में आ गया, और दूसरी तार इस साइड को निकाल के फिर यहाँ से अंदर को करके यहाँ से अंदर को इधर को वैसे और इस स्पीकर में आ गया। तो ये हो गया अपना म्यूजिक सिस्टम। फिर इसमें ये पंखा लगा रखा है और एक यहाँ पर ये इन्वर्टर लगा रखा है मैंने, ठीक है ना। इसके 24 वोल्ट का करंट मैंने, ये देखो ये 24 वोल्ट का है करंट है, ये पंखा भी 24 वोल्ट का है। पंखा और दोस्तों कोई भी ऐसी चीज़ लगानी है तो 24 वोल्ट का लो, तो बैटरी जो है ना डाउन नहीं होती। नहीं तो डेक, अब मैं डेक चलाता हूँ तो स्टार्ट मशीन पे चलाता हूँ, बंद पे नहीं चलाता, बंद पे चलाने में तो 8-10 मिनट उससे ज़्यादा नहीं, तो बैटरी डाउन हो जाती है। 24 वोल्ट में क्या दोनों बैटरी का करंट एक साथ जाता है तो बैटरी डाउन नहीं होती, मतलब स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये तार मैंने यहाँ लगा रखी है, जो स्विच में से जो स्विच की जो तार होती है 24 वोल्ट की, उसमें से लगा रखी है। ये भी पक्का सिस्टम सिलू डाल के कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पंखे मैंने झज्जर में लिए थे, दूसरे वाले जो अपना ग्रेटर है उसके लिए, जो पहले से वीडियो देखते हैं उनको पता है दो पंखे लग रहे थे तो मैंने एक पंखा इसमें लगा लिया। 550 रुपये का पंखा आया था, और ये इन्वर्टर जो है 350 रुपये का मिल जाता है। और ये डिब्बा लगा रखा है, यहाँ से चार्जर लगाओ और इस डिब्बे में अपना मोबाइल डाल दो, चार्ज होता रहेगा। और बाकी इसके ऊपर ये सीट बना रखी है डेक के ऊपर, डेक के मतलब ये मेन फ्रेम जो बनाया है ये सीट के लिए बनाया है, फिर इसकी सीट के नीचे ये डेक फिट करिए। और दोस्तों बाकी ये शीशे यहाँ पे आते नहीं है कंपनी के साथ, कंपनी से ये फ्रेम इसका शीशा आता नहीं है, ना आगे का आता है ना पीछे का आता है शीशा। ये लगवाया था, अब तो नए मॉडल जो आ रहे हैं 120 में तो एसी केबिन आ रही है मशीन, हमें तो शीशे आ ही रहे हैं लग के। तो इसका मैं अच्छे से आपको बता दूंगा अगर आप कहोगे तो, नहीं तो फिर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसका फ्रेम कैसे बनाया, क्या खर्चा आया। तो बाकी मैं दिखा दे रहा हूँ, अभी आगे शीशा लगना रह गया है, लॉकडाउन बीच में हो गया था तब नहीं लग पाया था। बाकी ये इधर नीचे शीशा लगाया है, एक इधर नीचे शीशा लगाया है। इस 120K2 मॉडल में आप देख लेना, बिना केबिन के जो मतलब बिना एसी केबिन के जो कैनोपी केबिन में जो ग्रेटर आते हैं उनमें कभी आपको शीशा नहीं दिखेगा, अगर दिखेगा तो समझ लो अलग से लगवाया हुआ। तो ये सारा सिस्टम मैंने लगाया है दोस्तों, ठीक है। और बाकी दोस्तों ये बोतल पड़ी है पानी पीने की, ठीक है ना, ये दोनों बोतल रख रखी हैं बोरी को भिगोने के लिए जो कैंपर के ऊपर रखी है, और ये सैनिटाइज़र पड़ा है, और ये हथौड़ा रखा है इमरजेंसी में किसी के सर पे मारने के लिए। और मैं इस सीट के नीचे मैं यहाँ पे कपड़े रखता हूँ, ये मतलब कॉटन वेस्ट जिसे बोलते हैं सफाई वफाई करने के लिए, ठीक है ना, इसके नीचे आ जाते हैं आराम से। ये अपना मेन कपड़ा है टॉवल जैसा। तो दोस्तों अब आ चुका हूँ मैं कमरे पे, अभी थोड़ी सी बारिश हो गई है 10 मिनट के लिए, बेड पे फिनिशिंग मारी थी और रोलिंग वगैरह कराई थी, वो सब बेकार गई, ऐसी तैसी में मिल गई। बाकी दोस्तों आज कुछ इतना ज़्यादा नहीं था दिखाने के लिए, क्योंकि काम सा बंद सा चल रहा था, मतलब कम चल रहा था, बस वही बेड थे जिन पर फिनिशिंग मारी थी, फिर इसलिए मैंने आज अपने ग्रेटर का टूर करवा दिया। मैं कहा दिन क्यों खाली जाने देना, मैंने चलो अगर ग्रेटर के बारे में दिखा देंगे क्या क्या मैंने लगाया है, तो इसी चक्कर में मैं कहा कि फिर आज ब्लॉग नहीं बनाऊँगा तो फिर एक दिन का गैप हो जाएगा, इस चक्कर में फिर भी मैं ब्लॉग आज बना रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों बताना ब्लॉग कैसा लगा, तो ब्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताया करो, क्योंकि आगे मुझे ब्लॉग बनाने के लिए ऐसे ही मोटिवेशन मिलती है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अभी नई वीडियो में, तब तक की जय हिंद, वंदे मातरम।